हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सेल्फ ग्रूमिंग सीरीज, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि घर पे रहते हुए आप खुद को कैसे मेंटेन कर सकते हो, ताकि लॉकडाउन खत्म होने के बाद आप बिल्कुल डल घर से बाहर ना निकलो, आप बिल्कुल शाइन करते हुए घर से बाहर निकलो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पार्लर्स नहीं है तो हम लोग ने अपनी स्किन, अपने बाल, कुछ भी केयर नहीं करी और उसके बाद हम बिल्कुल बेकार दिखने लगे। ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें खुद को भी मेंटेन करना है। एंड आई नो सारी लेडीज जो हैं वो आजकल बहुत घर का काम कर रही हैं, तो खुद को मेंटेन करना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। आज इस जो भी मैं सेल्फ ग्रूमिंग सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ, इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स होंगे वो बहुत ही मिनिमम इंग्रेडिएंट्स हैं, और मैं ये भी इंश्योर करूँगी इसमें कि जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो 20 मिनट्स या उससे कम की ही हो, क्योंकि हम ऑब्वियसली बहुत बिजी हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम हमारे पास नहीं है। इसलिए जितनी भी एक्टिविटीज़ होंगी वो 20 या 20 मिनट से कम की ही होने वाली है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पेडिक्योर के साथ। ये वाला जो पेडिक्योर है ये बहुत ही अमेजिंग पेडिक्योर है। आप मार्केट में भी पेडिक्योर कराते होंगे, लेकिन जब आप इस पेडिक्योर को करोगे तो में इतना डिफरेंस नजर आपको आने वाला है। मार्केट वाला पेडिक्योर भी इस पेडिक्योर के सामने बिल्कुल फ्लॉप है। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं, अगर काम कर करके आपके लेग्स में पेन हो गया है तो भी ये वाला जो पेडिक्योर है वो आपको काफी रिलैक्स करने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। चलिए, स्टार्ट करने से पहले लेकिन मैं आपसे हमेशा की तरह रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल ऑल्सो, क्योंकि सेल्फ ग्रूमिंग सीरीज है, बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक्स भी आगे आपको मिलती ही रहेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आपको चाहिए 3 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1 टीस्पून सॉल्ट, कोई सा भी सॉल्ट आप ले सकते हैं, 1 लेमन, 3 टीस्पून शैम्पू, कोई सा भी शैम्पू आप ले सकते हैं, देन कोई भी स्क्रब आप ले सकते हैं। मैं यहाँ पर एम कैफीन का फुट स्क्रब यूज़ कर रही हूँ। फिर आपको गर्म पानी लेना है और उसमें 1/1 बेकिंग सोडा, सॉल्ट, लेमन और शैम्पू ऐड कर देना है। लेमन को स्क्वीज़ करने के बाद उसके जो छिलके हैं वो भी आप इसमें ही डाल देंगे, क्योंकि ये बाद में स्क्रबिंग के लिए यूज़ होंगे। शैम्पू भी आप इसमें ऐड कर देंगे और उसके बाद आप पैरों को अंदर डाल लेंगे और पैरों से ही इसको मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद आपको 12 टू 15 मिनट्स पैरों को डिप करके रखना है इसी में। इसके बाद जो नींबू का छिलका था उसको आप उल्टा करके 30 सेकंड्स के लिए पैरों पर मसाज करेंगे, 15 सेकंड्स फॉर ईच लेग। और वापस से आप पानी में पैर डाल देंगे 2 मिनट के लिए। और उसके बाद कोई भी फुट स्क्रैपर आपको लेना है और हील्स में से आप डेड स्किन जो है उसको स्क्रैप ऑफ कर देंगे लाइक दिस। दूसरे पैर पे भी आपको सेम रिपीट करना है। और उसके बाद आपको स्क्रब लेना है और 4 मिनट्स के लिए मसाज करना है, 2 मिनट्स फॉर ईच फुट। उसके बाद आपको अच्छे से स्क्रब को वॉश कर लेना है और पैरों को बाहर निकाल लेना है। अब आप देख सकते हैं पैर कितने क्लीन नज़र आ रहे हैं, जितनी भी डेड स्किन थी, टैनिंग थी, वो सब निकल गई है और पैर जो हैं काफ़ी स्मूथ और क्लीन हो गए हैं। उसके बाद आपको पैरों को ड्राई करना है, मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना है और अपनी कोई भी फेवरेट नेल पेंट अप्लाई कर लेनी है। तो यस, आज आपने देखा कि आप घर पे ही पेडिक्योर कैसे कर सकते हो। ये वाला जो पेडिक्योर है इसको आप 10 डेज में एक बार रिपीट कर सकते हो। ये बहुत ही अमेजिंग पेडिक्योर है। और अगर आपको लेग्स में पेन है तो आप इसमें बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स स्किप करके खाली नमक के पानी से भी ये कर सकते हो, जिससे कि आपको पैरों में भी काफ़ी रिलैक्स फील होगा। तो आई होप आपको आज की वीडियो जो है वो हेल्पफुल लगी होगी। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।